मंदिर का दरवाजा। मंदिर के मेन गेट से अंदर जाने के बाद मंदिर तक पहुंचने वाला रास्ता। इसके बगल में बहुत बड़ा गार्डन है। मंदिर यहाँ से देख रहा है, राइट साइड में बना हुआ है। बिल्कुल शांत माहौल है यहाँ पर। यहाँ से देखने पे मंदिर इतना खूबसूरत लग रहा है, कोई भी यहाँ से बीच में से अंदर नहीं जा पाए। इसके लिए लोहे की जंजीर लगी हुई है। बीच में जो खम्मा दिख रहा है आपको, इसके ऊपर फ्लैश लाइट लगी रहती है, जिससे नाइट का नज़ारा कुछ अलग ही होता है मंदिर को देखने का। मंदिर के पीछे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, जिसमें भगवान सूर्य देव की मूर्ति है। यहाँ से मूर्ति दिख रही है। आप भी देख सकते हैं मूर्ति को, पर पीछे से दिख रही है। मंदिर के ऊपर पक्षी बैठे हुए हैं, जिससे मंदिर और भी सुंदर दिख रहा है। यहाँ से मुझे तीन घोड़े दिख रहे हैं। चिड़ियों के चहकने की आवाज़ आ रही है। चिड़ियाँ बैठी हुई हैं, दाना खा रही हैं। बांस का पेड़ बहुत बड़ा लगा हुआ है। फूल पत्ती तोड़ने के लिए मना है, बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर एक पुल बना हुआ है, जिसके नीचे से बारिश का पानी गार्डन से बाहर निकाला जाता है। बिल्कुल शांत माहौल है, चिड़ियों की आवाज़ तक सुन सकते हैं आप।
इंस्ट्रक्शन फॉर एंट्री सन टेम्पल, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। जो सामने आप पार्क देख रहे हैं, इसके अंदर एंगेजमेंट या कोई भी फंक्शन होता है तो इसी पार्क के अंदर किया जाता है। पार्क लॉक है तो हम अंदर जाकर के नहीं बता पा रहे हैं, आपको बाहर से ही दिखा रहे हैं। मंदिर के इस बोर्ड पर लिखे हुए नियमों को आपको फॉलो करना है। आपको मंदिर दिख रहा है यहाँ से, पेड़ पौधे बहुत लगे हुए हैं। मंदिर के ध्वज की पताका दिख रही है मंदिर के ऊपर। मंदिर तक जाने वाला रास्ता बहुत क्लीन है। मंदिर के लिए सीढ़ियां लगी हुई हैं ऊपर जाने के लिए मंदिर पर। मंदिर में प्रवेश करने से पहले जूते चप्पल जूते घर में ही उतारें। मंदिर में प्रवेश के नियम और शर्तें बोर्ड लगा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी पढ़ सकते हैं। ये मंदिर का दूसरा गार्डन देख पा रहे हैं आप, गार्डन में जाने के लिए मना है। पानी पीने के लिए फ्रीजर लगा हुआ है। जूते चप्पल रखने की व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पर।
पैसे भी लगते हैं कौन तू कौन अब हम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। ये स्थान बहुत सुंदर है। मंदिर में आगे चार घोड़े लगे हुए हैं। ये जो आप आगे देख रहे हैं मंदिर का प्रवेश द्वार है। ये मंदिर के राइट साइड वाला दरवाजा है। मंदिर के ऊपर भी छोटी छोटी भगवान की मूर्तियां बनी हुई हैं। कितना बारीकी से डिज़ाइन किया गया है। बहुत खूबसूरत मूर्ति है ये। ये जो आप देख रहे हैं अभी ये सूर्यदेव के रथ के पहिए लगे हुए हैं। ये मंदिर है, पूरा रथ पे बैठे हुए हैं सूर्यदेव और इनके रथ में ये पहिए लगे हुए हैं। आगे ये पीछे की साइड का है नज़ारा। आगे की साइड रथ के घोड़े हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। हर चीज़ बहुत बारीकी से बनाई गई है इसकी। देखिए यहाँ पर छोटी छोटी मूर्तियाँ भी बनाई गई। ये बहुत छोटी है पर बहुत खूबसूरत है देखने में।
बच्चे घोड़े के ऊपर बैठ के खेल रहे हैं। विष्णु भगवान गणेश भगवान की मूर्ति बहुत खूबसूरत है। शिव भगवान साथ में पार्वती माता दोस्तों, मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए हम मंदिर के अंदर का कुछ भी नहीं दिखा पा रहे हैं। बढ़िया है ना, अच्छा लगा है मंदिर, है ना, मंदिर अच्छा लगा है, खूबसूरत भी। बहुत बहुत लोग घूमने आते हैं यार यहाँ पर।
दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोगों के लिए और भी वीडियो लाते रहेंगे हम।